Hey friends, welcome back to my YouTube channel Loveyouzindagi and I am Priya. Last time हमने सीखा Chinese dish कैसे बनाते हैं और North Indian food हमने सीखा था बनाना, लेकिन आज हम कुछ Italian बनाएंगे. तो आज मैं बनाने जा रही हूँ Macaroni. चलिए आइए देखते हैं Macaroni कैसे बनाते हैं. मैं आपको ingredient दिखाती हूँ एक एक करके. ये देखिए, सबसे पहले हमने इतनी Macaroni ली है और हमने यहाँ पर एक बड़ा प्याज लिया है चॉप किया हुआ, और यहाँ पर मैंने इतनी पत्ता गोभी ली है, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है अच्छे से. यहाँ मैंने एक शिमला मिर्च ली है, छोटी शिमला मिर्च, इसको भी चॉप करके रखा हुआ है. और टमाटर मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिए हैं. ये टमाटर का साइज़ देखिए, इतने बड़े पीस में मैंने टमाटर काटे हैं. यहाँ एक चम्मच नमक है और मैंने यहाँ आधा टुकड़ा अदरक का लिया हुआ है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है. और यहाँ मैंने एक हरी मिर्च ली है चॉप की हुई, और एक चम्मच लाल मिर्च ली हुई है. यहाँ हमने सोया सॉस लिया हुआ है, और यहाँ हमने विनेगर लिया हुआ है, और यहाँ रिफाइंड लिया हुआ है जिससे हम उसको फ्राई करेंगे Macaroni को. और यहाँ मैंने पानी लिया हुआ है जिससे Macaroni बॉईल करेंगे. तो यहाँ मैंने एक बर्तन लिया है, आप भी इतना बड़ा बर्तन ले सकते हैं. और हम गैस ऑन करेंगे. सबसे पहले हम Macaroni को बॉईल होने रखते हैं. इसमें हम पानी लगाएंगे. यहाँ मैं इतना पानी इसमें लगा रही हूँ Macaroni बॉईल करने के लिए. पानी ज़्यादा ही लगाइएगा, पानी कम ना हो, वरना Macaroni नीचे लग जाएगी बर्तन में. और इस पानी में हम एक चम्मच रिफाइंड डालेंगे जिससे हमारी Macaroni चिपके नहीं. जब ये पानी अच्छे से गर्म हो जाएगा, खौल जाएगा, तब हम इसमें ये Macaroni डालेंगे. ये देखिए, पानी गर्म हो गया है हमारा. हम इसमें Macaroni डालते हैं और इस Macaroni को एक स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से चला देंगे. और जब तक ये Macaroni अच्छे से गल नहीं जाती, तब तक हम गैस ऑफ नहीं करेंगे. एक बार ये Macaroni अच्छे से गल जाए, फिर हम इसका ये जो पानी है एक्स्ट्रा वो हटा देंगे और अपनी Macaroni है इसे छान लेंगे एक बर्तन में. अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इसे गलने के लिए, क्योंकि ये मैदा है, इसे टाइम लगेगा गलने में. ये देखिए, हमारी Macaroni में उफान आ गया है, ये खोल रही है. अब एक बार चेक कर लेते हैं कि Macaroni कैसी हुई है. ये देखिए, अभी भी Macaroni बिल्कुल कच्ची लग रही है. हम इसे थोड़ी देर और उबालेंगे जब तक ये बिल्कुल सही से पक ना जाए. एक बार चेक कर लेते हैं Macaroni को कि ये सही से गल गई है या नहीं गली है. ये देखिए, हमारी Macaroni अब बिल्कुल गल गई है. अब हम इसे पानी से अलग कर लेते हैं, छान लेते हैं हम इसको. ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी Macaroni है जो वो अच्छे से उबल गई है, और ये बिल्कुल ही गल गई है. देखिए, इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा. अगर Macaroni कच्ची रह जाएगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी. ये हमने यहाँ पर, अब इस हम इसे छौंक लेते हैं. हमने यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है, उसमें रिफाइंड लिया हुआ है. गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई गर्म होने का वेट करेंगे. जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी, फिर हम इसमें प्याज को भूनेंगे. ये देखिए, कढ़ाई गर्म हो चुकी है. अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे. प्याज को अच्छे से भूनना है, लेकिन प्याज इतना ज़्यादा भी नहीं भूनेंगे हम कि ये गोल्डन ब्राउन हो सके. हम सब्जी बनाते वक्त प्याज को गोल्डन जब तक नहीं हो जाता तब तक भूनते हैं, लेकिन जब हम इटालियन या चाइनीज डिश बनाते हैं तब तक हम प्याज को 50% ही पकाते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाते. मैंने यहाँ पर प्याज को इन स्लाइस ऐसे इस तरीके से काटा हुआ था स्लाइस में, ये देख लीजिए.
ये देखिए प्याज हमारा भुन चुका है, अब इसमें ये ग्रेट की हुई जिंजर है इसको ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम भूनेंगे, अदरक बिल्कुल सही से भुन जानी चाहिए, बिल्कुल भी कच्चापन इसमें नहीं रहना चाहिए। गैस को हम मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। हमारी जिंजर ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब हम इसमें ये टोमेटो है इसको ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। ये ग्रीन चिली है हम इसमें ऐड करेंगे और ये सॉल्ट, जैसा मैंने आपको बताया था पहले भी, टमाटर गलाने के लिए हमें सॉल्ट ऐड करना होगा। इसमें ये हमारे बारीक कटे हुए शिमला मिर्च हैं ये ऐड करेंगे, ये हमारी पत्ता गोभी है इसको ऐड करेंगे। और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। सब्जियां ज़्यादा हमें गलानी नहीं है, सब्जियां हमारी क्रंची दिखनी चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा सब्जियां गल जाएंगी तो वो बहुत सॉगी सॉगी लगेंगी, इसलिए सब्जियों को हमें क्रंची रखना है। ये देखिए सब्जियां कितनी अच्छी लग रही हैं भुनने के बाद। अब हम इसमें ये विनेगर है ये ऐड करेंगे हम, थोड़ा सा हमने इसमें विनेगर ऐड किया, थोड़ा हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। ये देखिए सोया सॉस ऐड करते ही कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इन सब्जियों से। चाइनीज़ फूड बनाए या इटालियन फूड, अगर हम इसमें लोग कहते हैं जैसे फास्ट फूड हमारे हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है हमारी सेहत के लिए, लेकिन अगर हम उसमें बहुत सारी सब्जियां ऐड कर दें तो वो डिश भी काफ़ी हेल्दी हो जाती है। ये देखिए हमारी सब्जियां हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, गैस को हम स्लो करते हैं और ये जो हमारी मैक्रोनी है बॉयल की हुई ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए हमने मैक्रोनी को इसमें ऐड कर लिया, अब हम इसे एक हल्के हाथों से एक गुड मिक्स देंगे। इस मैक्रोनी को हम 2-3 मिनट तक गैस पर रखेंगे और इसे अच्छे से चलाते रहेंगे, जिससे जो हमारी जो हमने इसमें रेड चिली डाली हुई है और ग्रीन चिली डाली हुई है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और सॉल्ट भी हमारा अच्छे से प्रॉपर इस मैक्रोनी में मिक्स हो जाए। कभी कभी लोगों की ये शिकायत रहती है मैक्रोनी बनाते वक्त कि उनका जो वो सॉल्ट डालते हैं नमक डालते हैं वो अच्छे से मिल नहीं पाता, तो मैं यहाँ पर ये टिप देना चाहूँगी जो नमक है वो आप सब्जियों में ऐड करिए, मैक्रोनी के ऊपर से नमक ऐड नहीं करना चाहिए, वरना नमक कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा हो जाता है और कहीं कहीं पर बहुत कम हो जाता है। ये देखिए मैक्रोनी हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है और कितनी अच्छी लगी है मैक्रोनी। आप चाहें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां ऐड कर सकते हैं अपनी मनचाही सब्जियां, आप चाहें इसमें गाजर ऐड कर सकते हैं या फिर पीली शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, अपनी मनचाही सब्जियां आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके घर में इतनी सब्जियां अवेलेबल इस टाइम नहीं है या जब भी आप बनाएं तो आप सब्जियों को कम्बर करके बना सकते हैं मैक्रोनी। ये देखिए अब हम मैक्रोनी को सर्व कर लेते हैं एक बर्तन में, गैस हमने ऑफ कर दी है। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी यम्मी मैक्रोनी बनके रेडी है।
सो आप भी जाइए अपने किचन में और ये यम्मी मैक्रोनी बना के ट्राई कीजिए, सबको खिलाइए, खुद भी खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरी वीडियोस को लाइक करिए, सबके साथ शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भेजिए और जो आपका एक्सपीरियंस रहा है मेरे चैनल के साथ वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज, बाय बाय, लव यू।